प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एवं रिसर्च द्वारा दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह 15वां विश्व स्तरीय राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस आयोजन में 3 महाद्वीप और 5 देशों से अनगिनत लोग शामिल हुए हैं। यह आयोजन पिछले 14 वर्षों से किया जा रहा है, हर वर्ष ऑडिटोरियम में किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोविड के कारण यह आयोजन कॉन्फ्रेंस के रूप में किया गया है, क्योंकि कोविड के चलते फिजिकल रूप से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, इसलिए कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस आयोजन को रखा गया है। इस वर्ष कॉन्फ्रेंस का विषय रीथिंकिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज, एंटरप्रेन्योरियल चैलेंजेस एंड सोसाइटल वैल्यूज एंड चेंज ग्लोबल सिनेरियो है। इस बार हर बार की तरह देश एवं विदेश से शिक्षा एवं उद्योग जगत के चर्चित हस्तियां कॉन्फ्रेंस का हिस्सा वर्चुअली बने। सर, किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि कोविड भी है, और किस तरीके से नए रूप में एक आयोजन प्रारूप हुआ है? नमस्कार, मैं यह आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत ही एक विश्व स्तरीय रूप पे एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हम कर रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस के रूप में, जिसमें 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 महाद्वीपों से और 5 देशों के अनगिनत लोग शामिल हुए हैं इस आयोजन में। ये आयोजन हमेशा से होता आ रहा था 14 वर्षों से, आज इसका 15वां सत्र है, और जो 14 हुए थे वो सारे के सारे हमारे जो बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने कैंपस है उसके ऑडिटोरियम में होते थे। अब जो है इस वर्ष, क्योंकि कोविड का ज़माना है, इस वर्ष क्योंकि हम फिजिकली नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं, तो अपन ने इस बार इसको जूम के ज़रिए से वर्चुअल रूप में आयोजित किया है। इस वर्ष का विषय भी बड़ा टॉपिकल है और बड़ा क्या बोलना चाहिए, करेंट है, जो कि है रीथिंकिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज, एंटरप्रेन्योरियल चैलेंजेस एंड सोसाइटल वैल्यूज इन अ चेंज सिनेरियो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से इस कोविड ने सारे विश्व को उलट पलट करके रख दिया है, तो समाज की भावनाओं में भी अंतर आया है, समाज के दृष्टिकोण में भी अंतर आया है, और लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जो छोटे व्यापार कर रहे हैं और जो बड़े बिजनेसेस हैं, उन सब को अपना तौर तरीका बदलने को बाध्य कर दिया है। तो कोविड एक ऐसा क्या बोलना चाहिए, समय है, उनको समय से ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, जिसने सब कुछ अव्यवस्थित कर दिया। मैं इस समय बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पितृपुरुष डॉक्टर नेमनाथ जैन जी हैं, जिनको पिछले वर्ष पद्मश्री भी अवार्ड हुआ था, उनके आशीर्वाद से सब चल रहा है, वे स्वस्थ हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वे स्वस्थ बने रहें। वे 90 वर्ष के हैं, और उनके आशीर्वाद से ये सब चला जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज और कल जो 2 दिन में हमारे विचारों के आदान प्रदान होंगे, लोग अपने अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे जिन्होंने शोध किया है, और शायद 2 दिन के बाद में हम इस स्थिति पे पहुँचें कि एक बहुत ही एग्जीक्यूट करने लायक एक स्ट्रैटेजी बन के आए, जिसको हम सब सारी दुनिया के साथ शेयर करेंगे, जो ये बताए कि भविष्य में किस तरफ इंडस्ट्री को जाना चाहिए। छोटा सा उदाहरण है इंडस्ट्री 4.0, एक ही नया रेवोल्यूशन है। भारत गुलामी के वजह से 2 रेवोल्यूशन मिस कर गया था, 1947 से पहले जितने हुए थे वो हमारे नहीं हो पाए, और हमने इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर का रेवोल्यूशन पकड़ा और देश कितना आगे चला गया। अब ये नया रेवोल्यूशन जो है उसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का नाम देते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें ब्लॉकचेन, जिसमें बहुत सारे नए नए चीज़ें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपने कभी विचार किया है कि फ़र्ज करिए आप गूगल पे आपने सर्च किया एक जूता खरीदने के लिए, ठीक, आपने सर्च किया, आपने खरीदा नहीं खरीदा, भूल गए, जो भी है छोड़ दिया आपने, अगली बार आप जब लॉगिन करोगे तो आपको बिना मांगे वो 20 जूतों की चॉइस बता देता है। होता है कि नहीं होता है? वो इस वजह से होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीछे काम कर रहा है, और वो कह रहा है कि इस कस्टमर को क्या आवश्यकता होती है। नाउ विद दिस काइंड ऑफ
इंटेलिजेंस गेटिंग इनटू इंडस्ट्री, जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, ये बिल्कुल ही नए आयाम में दिखाई देने वाला है अगले कुछ वर्षों में। इसी प्रकार की चर्चाएं होंगी हमारे इस सत्र में दो दिनों के लिए। ठीक है सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर अनिल वाजपेयी है और मैं प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। और हमारी एक नई यूनिवर्सिटी आ रही है जो आप 5-6 महीने में तैयार देखेंगे। यहाँ से जब आप सावेर रोड से उज्जैन जाते हैं तो बिल्कुल जेल के निकट 35 एकड़ का एक प्लॉट है, वहाँ पे आपको ये दिखेगी। तो वो यूनिवर्सिटी की देखरेख भी मैं कर रहा हूँ। रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।